अभी जो हम देख रहे हैं ना, ये वो क्विज है जो मैं आपको पहले करवा रहा हूँ, जो हमने मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में किया था, और फिर उसके बाद हम और भी इयर्स के पास पेपर्स देख सकते हैं। तो क्विज के अंदर मैंने 2018 से कुछ क्वेश्चंस दिए थे, और आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो 18, 19 और 20 से करनी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बोथ साउंड एंड अल्ट्रासाउंड आर वेव्स दैट ट्रेवल इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और ये जो वेव्स हैं ये स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी इनकी ट्रेवलिंग के लिए ज़रूरी है कि इनको कोई मीडियम वो मिल रहा हो। अब पहला पार्ट इसमें ये है कि स्टेट हाउ साउंड डिफर्स फ्रॉम अल्ट्रासाउंड। तो डिफरेंस बेसिक ये है कि अल्ट्रा का मतलब होता है ना अबव समथिंग, तो ये वो साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि साउंड विद फ्रीक्वेंसी हायर देन और अबव देन 20 किलोहर्ट्स, क्योंकि ह्यूमन हेयरिंग रेंज 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक होती है। तो जो भी साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्स होगी वो हमारी हेयरिंग रेंज से बाहर चली जाएगी, ह्यूमन ईयर उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, और उसको फिर हम अल्ट्रासाउंड का नाम देते हैं। ये वाली वेव्स इस फ्रीक्वेंसी के साथ अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि साउंड एंड अल्ट्रासाउंड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दैट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ वेव एंड डिस्क्राइब हाउ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव डिफर्स फ्रॉम अ ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर वेव को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ वेव, तो वेव की डेफिनेशन होती है कि इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी विदाउट मैटर बीइंग ट्रांसफर्ड, यानी मैटर अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इस ट्रांसफर को, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम वेव कहते हैं। सेकेंडली हमें बताना है डिस्क्राइब हाउ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव डिफर्स फ्रॉम अ ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमें पता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो पैरेलल मूव करते हैं टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट और मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और ट्रांसवर्स वेव में इसका ऑपोजिट होता है। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम प्रोपेगेशन ऑफ द वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ठीक है, ये बात भी हम देख चुके हैं। जैसे अगर वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स राइट, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम राइट लेफ्ट वाइब्रेट करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल है। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, अगर वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसके परपेंडिकुलर मूव करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, तो वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फिगर 9.1 रिप्रेजेंट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25,000 हर्ट्स ट्रेवलिंग इन ऑयल। अब यहाँ पे ना एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है,
उसकी फ्रीक्वेंसी 25,000 हर्ट्स है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 25,000 फ्रीक्वेंसीज 25,000 वेव्स ट्रेवल करेंगी। अब जाहिर सी बात है कि ये जो 25,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है ये हमारी हेयरिंग रेंज से बाहर है, तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं और वो ऑयल के अंदर ट्रेवल कर रही हैं। हमें क्या करना है, ऑन फिगर 9.1 मार्क टू पॉइंट्स एट द सेंटर ऑफ टू डिफरेंट रेयर फैक्शंस एंड लेबल ईच वन आर। अच्छा, अब आपको दो सेंटर ऑफ रेयर फैक्शंस जो है ना वो इसमें मार्क करने हैं। देखें, जहां ये लाइंस एक दूसरे के करीब है ना, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये कंप्रेशंस हैं, या यूं कहें कि सेंटर ऑफ कंप्रेशंस हैं। इनके राइट लेफ्ट आपको रेयर फैक्शंस मिलेंगे कि जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे। तो यहाँ पर हमें एक रेयर फैक्शन का सेंटर मिल रहा है, और इसी तरह से इसके एडजेसेंट हमें यहाँ पर एक रेयर फैक्शन का सेंटर मिल रहा है। तो आपको दो सेंटर ऑफ डिफरेंट रेयर फैक्शंस को मार्क करना था, वो आपने इस तरह से हर एक जगह पे कैपिटल आर लिख के उसको मार्क कर दिया। तो ये वन मार्क का काम जो है ना ये कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑन फिगर 9.1 ड्रॉ अ डबल हेडेड एरो टू इंडिकेट अ डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वन वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम कंप्रेशन से, यानी एक कंप्रेशन से सेंटर ऑफ कंप्रेशन से दूसरे सेंटर ऑफ कंप्रेशन तक ये मार्क कर दें डबल हेडेड एरो, ये भी एक वेवलेंथ को शो कर रहा है। साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम सेंटर ऑफ रिफ्रैक्शन से नेक्स्ट सेंटर ऑफ फ्रैक्शन तक एक एरो मार्क कर दें। तो दोनों में से जिस तरह भी आप मार्क कर देंगे वो एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएगी। ये भी एक मार्क का है। मेजर द लेंथ ऑफ द एरो ड्रॉन ऑन फिगर 9.1 एंड यूज इट टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ द वेव इन ऑयल। तो अब आपको मैनुअली ना मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है, और फिर उसकी हेल्प से आपने फाइंड करनी है वेव की स्पीड। तो मेरे ख्याल में ये ना कितनी 5 सेंटीमीटर या 4 point something इस तरह से कुछ आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं कि स्केल से हमने इसको मेजर किया और ये जो वेवलेंथ है ये 5 सेंटीमीटर की मैन्युअली मेजर करके मिल रही है, तो फिर हम इसे यूज करने से पहले मीटर्स में कट करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो ये 0.05 meters की वेवलेंथ हमें यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, अब दो चीजें हो गई, फ्रीक्वेंसी हमें इसकी पहले से गिवन है 25,000 हर्ट्स, वेवलेंथ हमें मिल गई फॉर एग्जांपल 0.05 सेंटीमीटर्स, या आपके पास जो भी वैल्यू आ रही हो उसको इसी तरह से मीटर्स में बस कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर नहीं है ये मीटर्स है। और वेव स्पीड का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो 25,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.05 से। तो मेरे ख्याल में इसकी जो वेव स्पीड आ रही है वो मेरी कैलकुलेशन में 1250 meters per second इस तरह से कुछ आ रही होगी। ठीक है, बाकी आपके पास अगर इसका प्रिंट आउट हो, उस पर प्रॉपरली आपने स्केल से एरो मार्क कर दिया हो और फिर उसके बाद उसको मेजर किया हो, तो वहां से बिल्कुल आपको ना एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछनी हो? सर, लैम्डा हम अपने स्केल से मेजर करेंगे उसके बाद? जी जी, मैन्युअली मेजर करना होगा। जो आपने डबल एरो वाली लाइन ड्रॉ की होगी ना,
उसी की हेल्प से आपको मेजर करना होगा। ओके उसके बाद है अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन अ लिक्विड पासेस इनटू एयर स्टेट व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द साउंड वेव एज इट एंटर्स द एयर। जी अब देखें अगर एक साउंड वेव लिक्विड में थी तो लिक्विड ज्यादा डेंस मटेरियल है और एयर ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी कम है, तो जब साउंड वेव मोर डेंस मटेरियल से लेस डेंस मटेरियल में आएगी ना तो क्या होगा, स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें पता है कि इसकी जो स्पीड है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साउंड स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा फास्ट होती है। सॉलिड के अंदर जो रेंज बनती है ना के लिए वो 2000 से लेकर 8000 मीटर्स पर सेकंड, इतनी स्पीड पे साउंड ट्रेवल करती है। फिर इसके बाद लिक्विड में, जी बिलाल कुछ पूछना है? जी कुछ पूछने? अच्छा तो लिक्विड के अंदर जो इसकी, हाँ श्वेब को मैंने कर दिया अलाउ कर दिया इंटर। अच्छा लिक्विड में जो इसकी स्पीड है ना वो 1000 से लेकर 2000 मीटर्स पर सेकंड तक रहती है साउंड की, और एयर में आपके पास जो स्पीड होती है वो 300 या 200 लेकर 1000 मीटर्स पर सेकंड तक हो सकती है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन है जो आपको वैसे भी याद रखनी है, और सिंपली जब लिक्विड से एयर साउंड एंटर होगी तो जाहिर है कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ओके नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें कह रहे हैं कि द वेव इन लिक्विड ट्रेवल टूवर्ड्स द सरफेस एट एन एंगल। फिगर 9.2 शोज द सेंटर ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द साउंड वेव इन द लिक्विड। सम कंप्रेशंस शोन हैव रीच्ड द लिक्विड एयर बाउंड्री। द पार्ट ऑफ दीज कंप्रेशंस इन द एयर आर नॉट शोन इन फिगर 9.2। ऑन फिगर 9.1 or 9.2, draw the parts of these compressions that are in the air. अच्छा अब air में ये compressions किस तरह होंगे ये हमें बताना है। जी तो for example अगर मैं यहाँ पर एक point ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक normal draw करता हूँ, ठीक है, तो आपके ख्याल में ये जो वेव्स हैं ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही होंगी? जी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही होंगी? सर टूवर्ड्स नहीं होगा, नहीं टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स नहीं होगा। देखें होता यह है कि जब कोई वेव लेस डेंस से मोर डेंस मटेरियल में आती है ना तो उस वक्त जो है ना वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और जब इसका ऑपोजिट होता है ना कि वो डेंस से लेस डेंस में जाती है तो आपके पास वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। ठीक है, तो इस एरो को देखते हुए ना, ये जो एरो हमें क्वेश्चन में गिवन है इसको देखते हुए हमें डिसाइड करना है, तो हम इस एरो को ना कुछ इस तरह से मार्क कर लेंगे कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जानी चाहिए, और फिर इसी के परपेंडिकुलर लाइंस, बल्कि मुझे इसको थोड़ा सा और जो है ना टेल करना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल आप ना इसको यूं कर लें,
ताकि इसका टिल्ट होना बिल्कुल क्लियर हो। और फिर उसके बाद इसके परपेंडिकुलर जो है ना आप लाइंस ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो वेव्स है ना वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होकर रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, और कम से कम 4 से 5 लाइंस आप जरूर बनाएं, ठीक है। 5 बनाएं तो वो सबसे ज्यादा अच्छा, उससे ओवरऑल जो है ना, और ये लाइनें आपस में पैरेलल होनी चाहिए जबकि इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपने बेंड कराना है, सही। और ये जाहिर स्केल से आप बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल साफ सुथरी बनेगी। अभी तो मैंने ऐसी ड्रॉ कर दिया इसको। ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं डिस्क्राइब इन आउटलाइन द अल्ट्रासाउंड, हाउ अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन क्लीनिंग। तो ये भी हमने देखा था कि ये जो यानी वो होती है ना स्टेरिलाइजेशन, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर वन, ऑब्जेक्ट शुड बी इमर्स्ड इन अ लिक्विड। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करना होता है, और फिर उसके बाद आप उसमें अल्ट्रासाउंड्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड टू गो थ्रू द लिक्विड, ठीक है। अब उसी लिक्विड के अंदर जाहिर है ऑब्जेक्ट भी है, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है ना वो लिक्विड के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना वो वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगी, क्योंकि साउंड वेव्स जहां जिस मीडियम से पास होती है ना उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। और फिर ये जो वाइब्रेशंस है ना, वाइब्रेशंस कॉज द डर्ट पार्टिकल्स टू बी क्लियर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अब उसके साथ जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। ये बेसिक फिनोमेना है कि अल्ट्रासाउंड को हम क्लीनिंग में कैसे यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में प्लेस कर लेते हैं, लिक्विड में इसलिए करते हैं कि अगर एयर में हम अल्ट्रासाउंड यानी थ्रो करेंगे ना तो वो इफेक्टिवली ऑब्जेक्ट को हिट नहीं कर सकेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इमर्स हुआ हुआ है किसी लिक्विड में और फिर उस लिक्विड में हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास करवाते हैं, तो एक तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की स्पीड भी ज्यादा होगी, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, और फिर वो लिक्विड को भी, सराउंडिंग मटेरियल को भी वाइब्रेट करवाएंगी, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर भी वाइब्रेशंस होंगी, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे अल्ट्रासाउंड की वजह से, और फिर डर्ट पार्टिकल्स जो है ना उससे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। जी क्लियर हो गया? इसमें कोई फर्दर क्वेश्चन, कोई और बात आपने पूछनी हो? चले तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जी ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके 2018 पेपर से है। पिछला जो क्वेश्चन वो पेपर 2-2 से था, ये वाला 2-1 से है। चले शुरू करते हैं। सम वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड सम आर ट्रांसवर्स। State how a longitudinal wave differs from a transverse wave. जी क्या डिफरेंस होता है दोनों में? हम दोनों में कैसे डिफरेंस बता सकते हैं? सर longitudinal parallel होती है और transverse perpendicular होती है।
जी, तो असल में फर्क होता है द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन का, ठीक है? तो हम कहेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव व्हाइल इट इज परपेंडिकुलर इन ट्रांसवर्स वेव्स। सही, लिखना चाहे तो लिख भी, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हाइल इट इज परपेंडिकुलर इन ट्रांसवर्स वेव्स। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात देखी थी। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि अ वाइब्रेटिंग रॉड प्रोड्यूसेस अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक। फिगर 9.1 शोज द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स पासिंग into the right hand section of the tank where the depth of it is different from the depth in the rest of the tank. Acha, ab dekhen yahan par na ek vibrating rod hai aur ripple tank mein ye hota hai ki ek vibrating rod na wo rips create karti hai, water ke andar waves generate karti hai aur phir ye jo waves ye move rahi hain aage, जो इन्होंने लाइंस ड्रॉ की हुई है ये असल में क्रेस्ट्स ऑफ द वेव्स हमें दिखाई गई हैं। तो जाहिर है हर क्रेस्ट के बाद एक ट्रफ भी होगा, तो वो 3D फिगर तो यहाँ पर उस तरह नहीं बनाई जा सकती। तो अगर हम रिपल टैंक को ऊपर से देख रहे हैं तो हमें इसी तरह का एक इमेज नजर आएगा। फिर उसके बाद वो राइट हैंड साइड ऑफ द टैंक में एंटर हो रही है वेव्स और वहां पर डेप्थ ऑफ द वॉटर ज्यादा है। अच्छा, अभी कह रहे हैं दैरो on figure 9.1 show the direction of travel of the wave in the two sections of the ripple tank. On the left hand section of the tank the wavelength of the wave is 0.019 meters and it travels at 0.17 meters per second. Calculate the frequency of the wave. To hame do cheeze yahan pe given hai. Number one, हम वेवलेंथ गिवन है 0.019 मीटर्स और साथ साथ हमें वेव की स्पीड गिवन है 0.17 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है? अच्छा, फिर हमें कैलकुलेट करना है, हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जी, फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो हम ये करेंगे कि वी को डिवाइड करवा देंगे लैम्डा से, जिसका मतलब होगा कि 0.17 को हम डिवाइड कर रहे होंगे 0.019 से, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। जी, क्या आंसर आ रहा है जरा बताएं। कैलकुलेटर है किसी के पास? सर 8.95 होगा। 8.94, ठीक है। तो 8.94 ओरिजिनली आ रहा है ना, तो इसको हमें फिजिक्स में सारे आंसर्स ना टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए होते हैं, तो हमें 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। और 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो उससे प्रीवियस में 1 ऐड हो जाता है, और अगर 5 से लेस हो तो उससे प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होता। तो इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आंसर 8.9 हर्ट्ज होगा, ठीक है? क्लियर है? चले, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि state what happens to the frequency of the wave as it passes into the right hand section of the tank. जी, frequency में क्या फर्क आएगा? तो frequency जो है ना ये same रहती है,
ठीक है. फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट और सेम, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आता. यूजिंग फिगर 9.1 स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ द वेव एज इट पासिस इनटू द राइट हैंड सेक्शन ऑफ द टैंक. जी, अब राइट हैंड सेक्शन ऑफ द टैंक में आपके पास स्पीड पे क्या फर्क आएगा? हम देखेंगे कि यहाँ पर स्पीड डिक्रीजेस. सही है, डिक्रीज क्यों हो रही है? देखें, आपके पास राइट हैंड सेक्शन में एंटर होने से पहले एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट का डिस्टेंस ये है ना. अच्छा, जब ये राइट हैंड सेक्शन में एंटर हो गई तो ये डिस्टेंस सेम है या इसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? डिफरेंस नजर आ रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है ना. पहले आपको डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहा था तो वेवलेंथ ग्रेटर है, और फिर दूसरे सेक्शन में जब वो एंटर हो गई तो वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है. अच्छा, जब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है ना तो स्पीड भी डिक्रीज होगी ताकि फ्रीक्वेंसी का आंसर आपका सेम रहे. ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर देखें ना, जैसे अभी हम देख रहे थे कि फ्रीक्वेंसी असल में आपको कब मिलती है, जब आप वेव स्पीड को डिवाइड करते हैं लैम्डा से. अगर लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो आपकी स्पीड भी डिक्रीज होनी चाहिए, सो दैट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज नहीं होनी होती. तो बाकी फिर उसके बाद अगर वेवलेंथ चेंज होती है तो स्पीड फिर उसी लिहाज से एडजस्ट होती है. अगर कोई ऐसा चेंज होता ना जिसमें वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होती तो हम देखते हैं कि स्पीड भी कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज हो जाती ताकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम रहे. सही है, तो ये वेव अगर 8.9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रखती है ना तो 8.9 का फिगर सेम रहना चाहिए. सही है, तो स्पीड के बारे में हम बताएंगे कि ये डिक्रीज हो रही है बिकॉज, रीजन क्या है? बिकॉज इन द फिगर इट इज एविडेंट दैट द वेवलेंथ is decreasing. ठीक है, so speed will also decrease. और उसके पीछे concept ये है कि आपकी frequency की value जो है ना वो constant रहेगी, तो उसको constant रखने के लिए जरूरी होगा कि decreasing wavelength के लिए speed भी decrease हो जाए, और अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती तो फिर स्पीड भी इंक्रीज होती. फ्रीक्वेंसी हर केस में सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. चलें, अब वैसे तो चलें ये भी हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हमने इसका आइडिया तो किया हुआ है. तो अब जो है ना वो असल में ये क्वेश्चन ज्यादा लाइट से रिलेटेड है, लेकिन जो हमने पढ़ा हुआ उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से. तो फिगर 9.2 शोज लाइट इन एयर स्ट्राइकिंग द वर्टिकल साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 डिग्रीज. ठीक है, फिगर में बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आर से मेजर किया गया है. फिर उसके बाद एक एंगल है थीटा, वो जब दोबारा रिफ्रैक्शन होगा ना, जब लाइट वेव ग्लास से दोबारा एयर में एंटर होगी तो उस वक्त वो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा. अच्छा, अब हमें करना क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6. द लाइट ट्रेवल्स इन द ग्लास एंड स्ट्राइक्स साइड एक्स वाई एट पी. अंडरलाइन ऑल द टर्म्स दैट डिस्क्राइब अ लाइट वेव. जी, तीन वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स. किस किस को अंडरलाइन करना चाहिए?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अंडरलाइन कर दूं मैं? सर